केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया अंदाज, आदिवासी समाज के कार्यक्रम में जमकर नाचे, कांग्रेस पर भी जमकर बरसे महाराज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को ग्वालियर चंबल के दौरे पर थे। वे गुना में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान सिंधिया का एक नया रूप देखने को मिला। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कार्यक्रम में गए वहाँ आदिवासी लोक नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को नहीं रोक पाए और वह भी मंच से नीचे उतरे और आदिवासियों के साथ लोक नृत्य करने लगे। दरअसल ये वीडियो गुना के सिमरोद गांव का है, जहां सिंधिया ने आदिवासी सम्मेलन में शिरकत की। आदिवासी समाज के कार्यक्रम में उनका एक नया रूप देखने को मिला। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से देखा कि जब आदिवासी कलाकार अपने जनजाति का एक लोक नृत्य कर रहे हैं, तब वह भी उस नृत्य को देखने के लिए नीचे उतरे और खुद को नहीं रोक पाए और फिर उनके साथ नाचने लगे। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज के लोगों के लिए रखा गया था। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने जब देखा कि केंद्रीय मंत्री खुद उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आदिवासी सम्मेलन में संबोधन भी दिया। उन्होंने जमकर के कांग्रेस पर हमला भी बोला, लेकिन इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरे गांव के जंगल, जमीन, पर्यावरण, वनों में रहने वाले जानवरों की चिंता अगर किसी ने की है तो वे आदिवासी समाज के लोग हैं। कालीबाई, टंट्या भील, भगवान बिरसा मुंडा, राणा भील, रानी दुर्गावती और सैकड़ों आदिवासी समाज ने इस भारत की संस्कृति को बचाया है। मातृशक्ति की चाबी आपके हाथ में, सिंचाई की चाबी आपके हाथ में, स्वास्थ्य की चाबी आपके हाथ में, वित्त विभाग की चाबी आपके हाथ में। बाबा साहब का अंबेडकर के सपने को पूरा किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के विकास, उनकी प्रगति, राष्ट्र के योगदान में आगे लाकर कार्य करने का संकल्प लेकर बीजेपी कार्यकर्ता संकल्पित हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने 60 सालों तक आदिवासी की सुध तक नहीं ली। कांग्रेस ने आदिवासियों का केवल शोषण ही किया। आज आदिवासी समाज को उभारने का काम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। आदिवासी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक नया अंदाज लोगों को देखने को मिला। उन्होंने आदिवासी समाज के साथ जमकर के नृत्य किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में हमारे आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपको गरीब रख के अपनी राजनीति की रोटी से ही आज देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन नरेंद्र मोदी जी के रूप में 15 नवंबर घोषित हो गई है भगवान बिरसा मुंडा का दिवस, आदिवासी गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।